गाइस आज की टॉपिक है डिटर्मिनेशन क्या है। ये वर्ड डिटर्मिनेशन दरअसल हमारे लाइफ में मिलने वाली सफलताओं और अपने मंजिल को पाने की चाह दृढ़ संकल्प से निकल कर आता है। इस डिटर्मिनेशन वर्ड को किसी ने संदीप महेश्वरी सर से भी पूछा था, जिसका सटीक और एक ठोस जवाब भी मिला था। पर हमें लगता है कि उस सेमिनार में इस्तेमाल किए गए सभी शब्द इतने भी आसान नहीं थे जिससे हम जैसे लोग उसे आसानी से समझ पाए। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन होता क्या है। अगर देखा जाए जिस सरल और सहज भाषा में हम आपको ये वर्ड समझाने वाले हैं, वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या ब्लॉग वेबसाइट पर नहीं मिलने वाली है। यदि हम बात करें डिटर्मिनेशन की, तो इसका मतलब है जब कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है और किसी प्रकार की लोक निंदा या फिर उसके स्ट्रगल के बीच आने वाली किसी भी समस्या से नहीं घबराता और कठिन परिश्रम से अपने सफलता को प्राप्त कर लेता है, उसी को सक्सेस डिटर्मिनेशन कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे आप अपने लाइफ में कोई तो टारगेट अवश्य ही बनाए होंगे और उसके लिए प्रतिदिन कार्य भी करते होंगे, पर आपको कई बार ऐसा होता है कि सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। जाहिर सी बात है, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें समय तो लगेगा ही, परंतु इसी बीच आपको लोग कोसने लग जाते हैं या फिर आपके अंदर खुद ही कुछ नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं, पर आपका दृढ़ संकल्प वहाँ पर भी बना रहता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा होता है। इसी दृढ़ निश्चय को लेकर जब आप अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं तो उसी को डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस कहा जाता है। आशा करते हैं अब आपको इस वर्ड में कोई भी सस्पेंस नहीं बचा होगा। यदि आपको ये नॉलेज इम्पोर्टेंट लगा हो तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।